और इसके अंदर जो एक बहुत ही बढ़िया फीचर है वो है इको साउंड का। इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं, यहाँ से हमारा इको अनेबल हो जाता है। अब यहाँ पे हमारा, तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ बाइक पर मोटो ब्लॉगिंग के लिए और माइक की टेस्टिंग के लिए। सो आउटडोर एक्टिविटी के लिए मैं आ गया हूँ वर्ल्ड वाइड फेमस मनोचा ट्रेडर के पास। इंटरव्यू के दौरान जैसे हम किसी से बातचीत करते हैं, दो लोग जब माइक में कनेक्ट हो जाते हैं, वो चीज टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। एक और चीज मैं इसमें टेस्ट करने वाला हूँ, और मैं जो इसकी आपको रेंज दिखाने वाला हूँ, जो 30 मीटर की रेंज है वो कैसी रहती है। वो अभी 30 मीटर की रेंज के लिए हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस चीज का रिव्यू करने वाला हूँ। जी हाँ, मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ माइक्रोफोन का, और वायरलेस माइक्रोफोन का, जो कि 26,000 के माइक्रोफोन को भी मात दे देता है। तो ऐसा कौन सा माइक है, तो आज मैं बात करने वाला हूँ डिजिटेक के वायरलेस माइक्रोफोन की, जो कि इस तरह की पैकिंग में आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन पैकिंग है। और अगर मैं बात करूंगा इसके फीचर्स की, तो भाई इसके ऊपर जो मेंशन फीचर है वह है कि 2.4G वायरलेस है, टाइप सी फास्ट चार्जिंग के साथ है। जो तीनों इसके स्लोट हैं माइक्रोफोन ट्रांसमीटर के, वो तीनों के तीनों ही टाइप सी स्लोट के साथ अवेलेबल है, जो कि बहुत ही जल्दी फास्ट चार्ज करते हैं। और अगर मैं साउंड क्लैरिटी की बात करूं, वो तो आपको आगे आगे वीडियो में देखकर पता लग ही जाएगा, क्योंकि जो इसकी अल्ट्रा क्लियर साउंड होने जा रही है, और उसके बाद 360 साउंड कैप्चर, हर जगह की ये साउंड को कैप्चर करने का काम करती है। और अगर मैं फीचर की बात करूंगा तो धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। और मिक्सिंग साउंड, तो साउंड को मिक्सिंग करने का बहुत ही अच्छे से काम करती है। डिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो भाई 30 मीटर की इसकी रेंज है, जो कि बहुत ही ज्यादा रेंज है। अगर मैं आपको इसका लाइव रिव्यू में भी दिखाने वाला हूँ कितनी दूर जाकर इसकी जो साउंड है वो भी कैच करती है, तो उसका लाइव रिव्यू में आप देख लेंगे। तो सबसे पहले तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए इसे करते हैं अनबॉक्स, और मैं बताता हूँ इसको कनेक्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले तो जब इसको अनबॉक्स करते हैं, उसके अंदर से निकलता है एक बहुत ही बेहतरीन केस, जो कि शॉक प्रूफ के साथ साथ वाटरप्रूफ भी है, तो देखने में तो बहुत जबरदस्त है। और जिपर पैकिंग के साथ अवेलेबल है हमारे पास। और जैसे ही इसको ओपन किया, इसके अंदर हमारे पास रिसीवर, ट्रांसमीटर, एक रिसीवर है और दो ट्रांसमीटर है हमारे पास अवेलेबल है। एक C2C केबल मिलने वाली है, और ईयरफोन मिलने वाले हैं, और C2 DSLR केबल, मतलब अगर आप कैमरा में लगाना चाहते हैं वो भी आपको इसमें मिलने वाली है। और अगर मैं बात करूंगा ईयरफोन की, तो दो ट्रांसमीटर है, तो दो ही इसमें ईयरफोन अवेलेबल है। और विंड मफ की अगर बात करेंगे तो बहुत ही बढ़िया, इसमें कोई भी किसी तरीके की साउंड, आपको बाहर की जो हवा की साउंड है वो इसमें बिल्कुल कुछ नहीं आती, विंड प्रूफ के लिए बहुत बेहतरीन रहती है। इसमें हमारे पास दो विंड मफ मिल जाते हैं। और बात करेंगे यूजर मैनुअल की, तो मैंने तो ये पूरा यूजर मैनुअल पढ़ ही लिया, तो आपको अगर आप वीडियो देख लेंगे तो शायद आपको इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो अभी इसको करते हैं क्लोज। ये एक्सेसरी हमें साथ में मिलने वाली है। अगर मैं बात करूंगा कनेक्टिविटी की, तो सबसे पहले तो मैं इसे कनेक्ट करके दिखाता हूं अपने GoPro Hero 10 से, जो कि आपको थोड़ा इजी रहेगा कि आप कैमरा से इसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसे GoPro Hero 10 से कनेक्ट करके आपको दिखाता हूं। ये रहा हमारे पास GoPro Hero 10, और सबसे पहले तो मैं इसके फिंगर ओपन करके इसे कनेक्ट कर लेता हूं, ताकि मुझे इजी टू कैरी हो जाए और मैं इसको इजीली पकड़ सकूं। तो अभी मेरे पास जो GoPro Hero 10 है, इसमें ऑलरेडी मीडिया मोड लगा हुआ है, जिसमें कि हमें 3.5 mm जैक इजीली अवेलेबल है। तो इसी 3.5 mm से हम इसको ट्रांसमीटर को और डिजिटेक के माइक को कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं रिसीवर, और रिसीवर को सबसे पहले तो फिक्स कर देते हैं, ताकि हम इसको इजीली फिक्स कर सकें यहाँ पे। उसके बाद जो इसको इनपुट देनी है हमने GoPro को, वो हम देंगे C2 AUX। तो हमें इसके लिए वायर चाहिए C2 AUX के लिए, और दूसरी वायर का भी यूज करेंगे जब हम इसे फोन से कनेक्ट करेंगे। जो सी पोर्ट है इसको हम लगाएंगे यहाँ पर, और 3.5 mm जैक को लगाएंगे GoPro Hero 10 में। और जैसे ये प्लग इन हो जाता है, हम अपना कैमरा को ऑन कर लेते हैं। हमारा कैमरा ऑन हो चुका है, और इसके बाद हम अपने माइक्रोफोन को भी ऑन कर लेते हैं। ये है रिसीवर, तो इसमें आप सिग्नल देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमें तीन तरह के यहाँ पे सिग्नल देखने को मिल रहे हैं। तो अब ये पेयरिंग मोड पे है, जैसे ही अगर ब्लिंक कर रहा है तो मतलब ये पेयरिंग मोड पे है। और इसके बाद हम अपने ट्रांसमीटर को भी ऑन कर लेते हैं लॉन्ग प्रेस से। यहाँ पर पावर ऑन का बटन है, इसे लॉन्ग प्रेस जब हम करते हैं, यहाँ पर भी लाइट आ चुकी है। तो आप देखेंगे ये जो लाइट है, पहले ब्लिंक हो रही थी, वो अब ब्लिंक नहीं हो रही है, और इट मीन्स ये कनेक्ट हो चुका है। तो अब जो अगले क्लिप है वो आप चेक करेंगे GoPro Hero 10 से। तो इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई, और अब जो आप साउंड सुन पा रहे हैं वो सुन पा रहे हैं
डिजिटेक के वायरलेस माइक्रोफोन DWM-101 से। तो इसके लिए मुझे क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं, एक तो मुझे बहुत ज्यादा लाउडली नहीं बोलना पड़ रहा, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ बिल्कुल इजी टू कंफर्ट और आराम से बात कर रहा हूँ, और जो साउंड क्वालिटी है वो आप सुन ही पा रहे हैं कि आपको साउंड क्वालिटी कैसे सुनने को मिल रही है। तो ये तो है इनडोर, और अब इसके बाद मैं जाने वाला हूँ रोड साइड, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि इसमें नॉइज कैंसिलेशन कैसी है और जो इसके माइक के ऊपर जो फीचर हैं वो कैसे हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर तीन यहाँ पर ग्रीन सिग्नल देख पाएंगे, और बात करेंगे अगर इधर उधर की साउंड की, तो इसके अंदर जैसे हम सिंगल प्रेस करते हैं, जब यहाँ पर आप बटन देखेंगे, जो माइक ग्रीन था वो पर्पल हो चुका है। अब आपको जो साउंड सुन पा रही है वो सिर्फ मेरी साउंड सुन पा रही है, इधर उधर की आप वॉइस को नहीं सुन पाएंगे। और एक बार मैं थोड़ा सा चुप होकर भी दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं सुनाई देगा। तो अब जैसे ही मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ इसके सिग्नल को, और उसके बाद जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप इधर उधर की आवाज को सुन पाएंगे। तो देखा आपने, और इसके अंदर जो एक बहुत ही बढ़िया फीचर है वो है इको साउंड का। अगर हम इसको इको, यहाँ पे लिखा हुआ है इको, इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं, यहाँ से हमारा इको अनेबल हो जाता है। अब यहाँ पे हमारा यहाँ पे जहाँ पे हमें तीन सिग्नल देखने को मिल रहे थे, वहां पे हमें जो फोर्थ सिग्नल देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है इको का। तो अब जो आप साउंड मेरी सुन पा रहे होंगे उसकी जो साउंड होगी वो इको में आ रही होगी, गूंजती हुई साउंड आप सुन पा रहे होंगे। तो ये था इसका एक अलग फीचर। तो इसकी इको का भी बंद कर देते हैं। तो अभी इसकी जो वॉइस है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, और मेरी आवाज भी आपको आ रही होगी, इधर उधर की छोटी मोटी आवाज भी आपको आ रही होगी। तो अब आता है आउटडोर एक्टिविटी का, कि अगर मैं इसके घर से जाके बाहर जाकर इसको शूट करता हूँ वीडियो को तो कैसा रहता है। और इसके बाद इसमें मैं एक और चीज ऐड करने वाला हूँ, मोटो व्लॉगिंग के लिए यह माइक कैसा रहने वाला है। तो बने रहे वीडियो में, मैं ले चलता हूँ आपको आउटडोर एक्टिविटी में और इसके बाद मोटो व्लॉगिंग में। सो जो माइक्रोफोन है उसे मैं अपने हेलमेट में कहीं ना कहीं प्लेस कर रहा हूँ, तो मैंने इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ बाइक पर मोटो व्लॉगिंग के लिए और माइक की टेस्टिंग के लिए। तो अभी जो मेरा फ्रंट मिरर है, जो ग्लास होता है हेलमेट का, वो ओपन है, जिसके कारण आपको जो विंड साउंड है वो भी सुन पा रही होगी। बट अभी मैंने जो वो फीचर अनेबल नहीं किया कि आप बाहर की साउंड को ना सुन पाएं, क्योंकि मैं इसे हर तरह से टेस्ट करना चाहता था। और अब मैं इसका जो फ्रंट का ग्लास है मेन हमारे हेलमेट का, उसको मैं बंद कर देता हूँ, जिसके कारण चेक करते हैं कि आवाज़ कैसी आती है। बट इससे पहले भी मैंने इसे टेस्ट किया था, मैं उस वॉइस से कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि साउंड थोड़ी दबी दबी रह जाती थी। जो इस वायरलेस माइक्रोफोन का बैटरी बैकअप है वो 10 से 12 घंटे लिखा हुआ है बॉक्स के ऊपर, बट अगर मैं बताऊंगा तो 5-6 घंटे का रेगुलर बैटरी बैकअप है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, और इजीली आप इसको अच्छे टाइम के तक चला सकते हैं। तो रही बात दूसरी की, आपको वॉइस कैसी आ रही होगी वो आप चेक कर ही पा रहे होंगे, और अभी मैंने आपको ग्लास बंद कर भी दिखाया कि आपको साउंड क्वालिटी कैसी रहती है। और ट्रांसपेरेंसी पर ही मैं इसको शूट करना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ, ताकि आप इधर उधर की नॉइस को भी सुन पाएं, अकेला मुझे ही ना सुन पाएं, और ऐसा ना लगे कि आपने वॉइस ओवर किया हुआ है, और जेन्युइन सी ओरिजिनल वॉइस आनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें चेक करने के लिए मैं अभी बाइक पे आया था। तो अभी बाइक को करता हूँ पार्क, और इसके बाद जो इसका सेकंड माइक है वो भी चलाकर चेक करेंगे। और जैसे कि आपने किसी का इंटरव्यू लेना है या कुछ और चीज़ में आपको यूज़फुल रहेगा, आप दो लोग इकट्ठे वीडियो बनाना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ों के लिए आपको जो आउटडोर एक्टिविटी के लिए वो भी चेक करना पड़ेगा, तो जाके वो चेक करते हैं। सो आउटडोर एक्टिविटी के लिए मैंने सोचा यार क्यों ना अपने मोबाइल पर टेस्ट किया जाए, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि ये मोबाइल पर कितना इजीली कनेक्ट हो जाता है। तो वो भी चेक करते हैं, और आउटडोर एक्टिविटी के लिए मैं इसी से शूट करने वाला हूं जो अगला, और अगली जो आप वॉइस सुनेंगे वो सुनेंगे आईफोन 11 प्रो मैक्स से, जब ये माइक कनेक्ट हो जाता है तो साउंड कैसी आती है। जो इसमें जूम है वो भी बहुत ईजी रहता है, और हम इसे आराम से जूम कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा नॉइस एरिया में जाऊँगा और वहाँ पर जाके देखेंगे कि कैसा रहता है। तो सबसे पहले तो इसे कनेक्ट करते हैं। ट्रांसमीटर को मैंने निकाल लिया है, और जो साउंड है वो ना आप माइक के सुन रहे हैं, आप डिफरेंस भी देख पाएंगे। मेरे पास यहाँ पे जो अवेलेबल है C2C केबल, और C2C केबल के साथ मेरे पास अपना एक कनेक्टर है जो कि मेरे आईफोन में कनेक्ट हो जाएगा। ये मैंने खुद से परचेज किया है, और ये साथ में नहीं आता। अगर आप आईफोन में कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये आपको परचेज करना पड़ेगा, और ये भी आप परचेज कर सकते हैं, वैसे इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बट अभी के लिए आप एक तरफ जो सी पॉइंट है उस पर आप आईफोन का कनेक्ट लगाकर आप इसे आईफोन में इनपुट दे सकते हैं, और रिसीवर से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब
सो आउटडोर एक्टिविटी के लिए मैं आ गया हूँ वर्ल्ड वाइड फेमस मनोचा ट्रेडर के पास। और यहीं पर ना जो मैं वीडियो को शूट करने वाला हूँ ना, यहाँ पर मैं एक इंटरव्यू के दौरान जैसे हम किसी से बातचीत करते हैं, दो लोग जब माइक में कनेक्ट हो जाते हैं, वो चीज़ टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो अभी चेक करते हैं, मेरे पास एक और ट्रांसमीटर है तो सबसे पहले तो इसे ऑन कर लेते हैं। और ये भी ऑन हो चुका है, तीनों सिग्नल जो है ग्रीन हो चुके हैं। तो अभी ये भी कनेक्ट हो चुका है। सर आप लगाओ ये। हेलो सर, नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, आप सुनाओ। और क्या खा रहे हैं सर आप? खाओ, चने खा रहे हैं। अच्छा, चने खा रहे हो। तो मैं आपके पास आया हूँ तो एक टेस्टिंग के दौरान आया था कि मैं सोच रहा था कि आप लोग आपसे बातचीत करके अपने व्यूवर्स को बता सकूं कि जो हमारे माइक की आउटपुट है कैसी रहती है, कैसे इसकी साउंड क्वालिटी है, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो इसकी कनेक्टिविटी कैसी रहती है। तो कुछ बोलकर हमारे साथ बातचीत करके जरूर बताएंगे। बस आपके वीडियो का इंतजार करेंगे हम। तो क्या बात है, तो आप वीडियो से ही आपको पता लगेगा, है ना? वीडियो से पता लगेगा कि वॉइस कैसी आ रही, कैसी आ रही, हमें क्या पता। तो हेल्दी रहने के लिए आप चने खाते हैं, बहुत बढ़िया। और आपके पास क्या क्या वैरायटी मिल जाती है? वैरायटी अपने सेकंड हैंड मोबाइल्स मिल जाते हैं, सेकंड हैंड मोबाइल मिल जाते हैं, बहुत बढ़िया। और ऑल कवर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर वीडियो बनाने का जो मकसद है, सबसे पहले तो मैं नॉइस में हूँ तो सबसे पहले मैं इसको ब्लू लाइट कर लेता हूँ ताकि जो मेरी बाहर की आवाज़ है वो बिल्कुल कैच ना हो। तो इधर सर के पास मौजूद हूँ। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? तो कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका शुभ नाम? अनुज कुमार। अनुज कुमार जी मेरे साथ मौजूद हैं। तो इनके पास जो अपना मैंने वायरलेस का जो दूसरा माइक है, मैं ऑलरेडी इनको दे चुका हूँ। इससे पहले मैंने अंदर हल्की सी वीडियो बनाई थी तो इनसे बातचीत हुई थी थोड़ी सी, जिसमें थोड़ी सी मुझे क्लैरिटी नहीं लगी थी क्योंकि इसमें मैं नॉइस कैंसिलेशन भी ऑन करना चाहता था ताकि इधर उधर की जो वॉइस है मैं वो ना ला सकूँ बीच में। तो इसी के चलते भाई साहब से बात करने आया हूँ, तो ऊपर दोबारा बात करके देखते हैं कैसा लगता है। तो आप कुछ बताएंगे? आप भी एक बार अपना जो स्विच है वो भी ऑन कर लीजिए, जो इस ट्रांसमीटर से भी मैंने जो स्विच को ऑन कर दिया ताकि दोनों की जो फालतू की साउंड इधर उधर की साउंड ना आए। तो बताइए सर कुछ अपने बारे में। जी, हमारी शॉप है सेक्टर 20 में, चंडीगढ़ में। जी जी, आप भी बता रही सब बिल्कुल। तो क्या क्या आपके पास मिल जाता है? हमारे पास सेकेंड हैंड मोबाइल्स हैं, मोबाइल एसेसरी मिल जाएगी ऑल, और मोबाइल्स कवर मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो हर तरह की आपको वैरायटी यहाँ पे मिलने वाली है, डिजिटेक के माइक, वायरलेस माइक, केट माइक और यूज्ड मोबाइल फोन, अच्छी आपको वैरायटी मिल जाएगी, हर तरह का आपको मिल जाएगा। देखो, एक प्रमोशन भी कर दी और माइक की टेस्टिंग भी कर दी, कैसा लगा मेरा आइडिया? ये जो ट्रांसमीटर है मैं फिलहाल बंद कर चुका हूँ, इसको मैं यहाँ पे अंदर रख देता हूँ। रखे बाजी अंदर। सो अभी मैं जा रहा हूँ। सो एक और चीज मैं इसमें टेस्ट करने वाला हूँ, जिस जैसे कि आपने वीडियो देखी और अभी मेरे पास जो ट्रांसमीटर है वो लगा हुआ है और उसके साथ मैंने ब्लू लाइट को ऑन किया हुआ ताकि मैं जो रोड पे ट्रैफिक है उसकी जो वॉइस आपको ना सुने, और मैं कंटिन्यूअसली बात करता हुआ जा रहा हूँ। आप हॉर्न की साउंड भी हल्की फुल्की आप मेरे पीछे सुन पाएंगे, इतनी ज्यादा तो नहीं क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा एक बार रोड क्रॉस कर लेता हूँ। और मैं जो इसकी आपको रेंज दिखाने वाला हूँ, जो 30 मीटर की रेंज है वो कैसी रहती है, वो अभी 30 मीटर की रेंज के लिए मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा रोड साइड, और रोड मैंने क्रॉस कर लिया तो देखते हैं ना कैसा रहता है। एक बार कैमरे की तरफ भी देख लेता हूँ, और पिछली बार में एक वीडियो में लोग कह रहे थे कि जो मैंने वॉइस ओवर किया हुआ है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था और तब भी नेचुरल वॉइस थी, अब भी नेचुरल है। तो अभी फिलहाल पार्क के अंदर एंटर कर रहा हूँ और काफ़ी डिस्टेंस पे हूँ मैं और काफ़ी दूर हूँ, और जो मेरा कैमरा मैन है वो भी अनिल, कैमरा मैन अनिल है, वो भी बड़ी दूर से शूट ले रहा है और रिकॉर्ड कर रहा है मुझे। तो मैंने कहा था कि मैं अंदर जाके वहाँ जाके हाथ हिलाऊंगा तो तू मुझे कैप्चर करियो, बट मुझे नहीं लगता कि वो मुझे शायद कैप्चर कर पाएगा, मैंने ट्राई करता हूँ कि शायद वो मुझे देख पाए। तो इसमें ब्लू अगर मैं बटन को हटा देता हूँ वो कैसा रहता है? इस तरफ कैमरामैन इस तरफ ले पा रहे हो मुझे, नहीं ले पा रहे? आई डोंट आइडिया, मुझे आइडिया नहीं है तो ज़्यादा जोर से मैं बोलूँगा नहीं। अरे एक बार मैं सिंगल बटन दबाकर एक बार ग्रीन लाइट को भी मैंने ऑन कर दिया है, तो जिसमें कि ब्लू लाइट को ऑन कर देता हूँ ताकि एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को बता सकूं कि ये माइक कैसा है। तो इस माइक के बारे में मैंने हर कुछ ट्राई कर लिया, इंडोर आउटडोर मोटो व्लॉग और इंटरव्यू के दौरान आपको कैसे रहने वाला है, हर चीज़ को मैंने ट्राई कर लिया। कुछ एक चीज़ों में मैं शायद अच्छा नहीं भी रह पाऊंगा, बट मैंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट किए कि मैं आप लोगों को बता सकूं कैसे ये कनेक्ट होने वाला है, कैसे ये चलने वाला है। हर चीज़ को मैंने बिल्कुल क्लियर कट समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।